अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे एक्सरसाइज के मुतल्लिक। एक्सरसाइज इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, उसकी मेन वजूहात क्या है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जैसे कि मैं डेली सुबह सवेरे एक्सरसाइज के लिए जाता हूं पार्क, तो अगर मेरे से कोई सवाल पूछता है कि सर आप सुबह क्या करते हैं, तो मैं उसको जवाब दूंगा सर सुबह सवेरे नमाज के बाद मैं एक्सरसाइज पे जाता हूँ, तो उसके जहन में यकीनन आएगा कि ये जवान बिल्कुल फिट है। तो ये बात आप जहन में रख लें कि आप बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के लिए आपसे पूछेगा सर आप क्या करते हैं, तो बोलेंगे हम बिजनेस करते हैं, हम जॉब करते हैं, तो उसमें फिर भी डाउट आते हैं कि शायद इसको बिजनेस में फ़ायदा है या नुकसान है। जैसे जॉब है, इसकी जॉब अच्छी है या बुरी है, लेकिन एक्सरसाइज ऐसी वाहिद चीज़ है जो अगले के माइंड में पूछते हुए ही उसको जवाब देते हुए उसके जहन में आ जाता है कि एक्सरसाइज का मतलब है कि आप बिल्कुल फिट हैं। तो बराए मेहरबानी आप अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें, करने की कोशिश करें और दूसरों को भी समझाएं कि प्लीज़ आप एक्सरसाइज करें। जैसे आप ऑफिस में भी इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं, खास तौर पे जैसे हमारे पास ये सिस्टम लगे हुए हैं, सारा दिन हम जो है इनपुट कीबोर्ड पे लगे हुए हैं, तो हमारी कंडीशन ये होती है। तो इजीली जैसे हम अभी यहाँ बैठे हुए तो हम 3 घंटे के बाद अपना स्ट्रेच ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद अब इस तरह बिल्कुल इजीली, अब अगर उस दौरान आप कम से कम 2 से 3 मिनट अगर आप डेली ये चीजें करें, तो आपका बिल्कुल जो बाकी जो सिस्टम है तो आपका सही रहेगा। ऑफिस में बैठे बैठे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसे आप डाउन, फिर इसको आप सर्कल भी दे सकते हैं इजीली, फिर इसको एंटी क्लॉक भी करवा सकते हैं। तो ये चीजें आप ऑफिस में बैठ के, मतलब आप किसी को तकलीफ ना देते हुए भी, मतलब मकसद यही है तकलीफ देने का कि अगर कोई डिस्टर्ब ना हो, तो आप ये चीजें कर सकते हैं। आपने गर्दन की करनी है एक मर्तबा, तो ये चीजें बहुत इजी हैं। तो बड़े मेहरबानी आप मेरी मजीद वीडियो आने का इंतजार करें और एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।